छोटे पर्दे पर प्यार की नई डेफिनेशन लेकर आ रहा है इंटरनेट वाला लव, जिसके आज दिल्ली में पूरी स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे मिनीषा, तुनीशा एंड शिविन से। हाय, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मिनीषा से है। छोटी उंगली पे आप बॉलीवुड को पूरा नचा चुकी हैं, अब बारी है टीवी की। Thank you, that's very kind of you, but TV has been a natural progression for me. मुझे लगता है कि इतने अच्छे stories हैं television पे, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक ऐसे fun show पे मैंने एक role किया है, कर रही हूँ, and जो एक बहुत glamorous character है, so I'm very happy with that. शिविन, सबसे पहले आपने रेडियो जॉकी पहली बार आप इस शो में बन रहे हैं। इससे पहले आप वीर की अरदास है वीरा में बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर था। दोनों कैरेक्टर्स के बारे में कितना चेंज है इसमें? जी, कैरेक्टर तो मतलब एक ज़मीन है एक आसमान है, दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। वीरा का कैरेक्टर एकदम अलग था, वो शो एकदम अलग था, उसका बैकग्राउंड एकदम अलग था, ये एकदम अलग है। एंड एज एन एक्टर मज़ा आता है आपको कि अगर आप स्विच कर पाएँ एकदम एक्सट्रीम रोल्स पे, एंड अगर ये भी उसके जितना हिट होता है ऊपर वाला करे उससे ऊपर जाता है ये शो, तो मेरे लिए कामयाबी की बात है और क्या। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट वाला लव आपको कभी हुआ हो? रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसा बहुत हुआ है कि हम कई फ्रेंड्स से मिलते हैं, कई ऐसा होता है कि हम किससे मिले हैं, ज़्यादा कनेक्ट उस टाइम नहीं कर पाए, पर इंटरनेट पे बात हो रही है बाद में कि हाय कैसे हैं, मिलते हैं, फ्रेंड्स मिल गए हैं, बट हाँ ऐसा प्यार व्यार अभी तक कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा तनीषा, रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट आप हैं या एक्सट्रोवर्ट? मैं आध्या की तरह इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट जैसी आध्या है वैसी वैसी सोच मेरी थोड़ी सी मिलती है। जैसे उसे ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग ये सब नहीं पसंद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाएं तो हम ऑनलाइन मंगवाते कुछ हैं, हम मंगवाते हैं तो कुछ और ही आ जाता है, स्टफ़ अच्छा नहीं होता कभी कभी, और कभी कभी साइज़ नहीं आता है, तो फिर जब हमें वापस भी करना होता है उसके लिए भी 100 झंझट होते हैं, फिर जब पैसे वापस चाहिए तो उसके लिए भी 100 झंझट होते हैं। एंड ऑनलाइन डेटिंग का उसका ये फंडा है कि अगर जब तक हम किसी से मिलकर समझ नहीं लेते उनको अच्छे से, तो बिना जान पहचान के वो किसी भी इंटरनेट वाले लड़के से तो मिलती नहीं है, तो उसका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है। ओवरऑल हमारा बहुत ही एक नई जनरेशन पे शो है, ये तो कैरेक्टर्स की बात होगी, हमारा शो बहुत ही एक नई जनरेशन पे है कि कैसे आजकल हमारा वर्ल्ड चलने लग गया। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे मॉम डैड, हमारे दादा दादी, नाना नानी सभी आजकल फ़ोन पे हैं, सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, सब आजकल चाहे मॉम डैड जीवन साथी से लड़का ढूंढते हैं और हम लोग टिंडर या नई नई वेबसाइट से ढूंढते हैं। जी, आप टिंडर पे ढूंढ रहे हो किसी को? हमें भी दिखाइए, लेफ्ट साइड राइट साइड। हमारी किस्मत ऐसी है कि हम आते भी हैं तो लोग फेक समझते हैं। अच्छा मनीषा, आपने ऐसा क्या देखा इस कैरेक्टर में कि जो आपने टीवी की तरफ आपने बस यही बात है कि ऑफकोर्स इट्स अ फन कैरेक्टर टू डू एंड इट्स अ यंग शो, इट्स अ फन शो, इट्स हर रोज हम मजाक कर रहे हैं, हमारा 12-13 घंटे कैसे गुजरते वी डोंट नो, क्योंकि डायलॉग्स ऐसे फनी हैं, सिचुएशंस ऐसे फनी हैं, एंड मैं कभी किसी के साथ लाइफ में स्ट्रिक्ट नहीं हुई हूँ, मुझे स्ट्रिक्ट होना आई डोंट नो हाउ टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन इधर लोगों को बॉस अराउंड करना, उनमें टू पुट फियर इन देम इज समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग। जाते जाते फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत ही एंटरटेनिंग शो है, आप प्लीज़ देखिए 27 अगस्त से मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे कलर्स पे इंटरनेट वाला लव, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय। थैंक यू। दिल्ली की कहानी है सबसे बड़ी बात, हमारी कहानी दिल्ली की है, एंड आई एम श्योर फ्लेवर भी वैसा ही है, एंड हमने शूट भी यहीं किया। डोंट से फ्लेवर, मुझे पापड़ी चाट की याद आ गई। डोंट से फ्लेवर, हम अभी छोले भटूरे खा के आए हैं, हम अभी एक्चुअली छोले भटूरे खा के आए हैं। व्हाट, हम पता नहीं क्या क्या खा के आए हैं, सो वी रियली इट्स ओके मिनीषा, हम आपको अभी लेके जाएंगे आफ्टर दिस। कोई बात नहीं, आफ्टर दिस वी विल गो सून सून, वेरी सून। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली।